हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे व्हाट्सएप पे किस तरह आप अलग अलग फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं एक साथ सिर्फ एक क्लिक पर, ये जानेंगे। क्योंकि अगर आप किसी स्पेशल कांटेक्ट में जाते हैं और क्लियर चैट करते हैं तो पूरी की पूरी फाइल डिलीट हो जाती है, टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सारे। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके उस ग्रुप में फोटो ही डिलीट हो सारी की सारी एक क्लिक पे, या जिफ सारी डिलीट हो एक क्लिक पे, तो वो कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे चलते हैं और यहाँ पे जो थ्री डॉट्स आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सेटिंग में जाएंगे, जहां पर लिखा है डेटा एंड स्टोरेज वहां पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां पे स्टोरेज लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि सारी की सारी जो भी आपकी व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आ जाएगी और साथ में जितने भी ग्रुप बने हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो सारी लिस्ट आ गई है जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे है। तो आप उस ग्रुप को सिलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, या आप किसी सिंगल कॉन्टैक्ट को भी इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, जो प्रोसेस मैं आगे बताने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने ये ग्रुप चूज किया है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी फाइल आई है जो कि जिस फॉर्मेट में हम बात करते हैं, वो टेक्स्ट मैसेजेस है, कॉन्टैक्ट है, लोकेशन है, फोटो है, जिफ है, वीडियो है, ऑडियो है और डॉक्यूमेंट है। ये सारे फॉर्मेट पे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस ग्रुप में हमारी सारी जिफ ही एक साथ डिलीट हो जाए या वीडियो एक साथ डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हमें मैनेज मैसेज में जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप मेरा बहुत छोटा सा है, यहाँ पे चीजें बहुत कम है, लेकिन अगर ग्रुप बड़ा होगा तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आपके पास दिखाई पड़ रही थी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, जिफ, ऑडियो मैसेज, डॉक्यूमेंट, वो सारे में चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। तो जैसे कि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे सारे टेस्ट मैसेजेस जाएं, तो हम यहाँ से इसका क्लिक हटा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इस ग्रुप में आपने टेस्ट में बात की है, जितना भी आपका टेक्स्ट मैसेजेस हुए हैं, वो डिलीट नहीं होगा। सिर्फ डिलीट होगा आपका अब फोटो और वीडियो। तो अगर आप फोटो को भी डिलीट नहीं करना चाहते तो आप यहां से इसको हटा दें, और अगर चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें और यहां से क्लियर मैसेज कर दें। जैसे ही आप इसको यहां से क्लियर करेंगे, आपका यहां पे मैसेज क्लियर हो जाएगा। अब आप यहां देख रहे हैं कि सारे 00 के भी हो चुके हैं और मेरे पास सिर्फ बचता है टेक्स्ट मैसेज। तो इस तरह आप अपनी चीजों को बचा भी सकते हैं और जो चीज आपको नहीं चाहिए वो एक क्लिक में डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने से पहले बस श्योर जरूर कर लें कि आपको क्या क्या चीजें रखनी है और क्या क्या चीजें नहीं रखनी है। तो ये रहा एक बहुत आसान तरीका अपने फोन की मेमोरी से ये सब चीजों को क्लियर करना, क्योंकि बहुत फालतू की फोटो और वीडियो की वजह से हमारा फोन स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है आपको अलग अलग से एक साथ सभी फाइलों को डिलीट करने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू।